हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं पीरियड डिस्चार्ज यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज और अर्ली प्रेगनेंसी में जो आपके वजाइनल डिस्चार्ज में क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि पीरियड डिस्चार्ज को प्लस प्रेगनेंसी डिस्चार्ज को आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि काफी महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी वाई डिस्चार्ज होता है और महिलाओं में देखा जाता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उनका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो वजाइनल डिस्चार्ज में भी कुछ चेंजेस आते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज से भी आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम फ्री है ये। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला गर्भ को धारण करती है, आपके यूट्रस में आकर एंडोमेट्रियम लाइन में बच्चा इम्प्लांट होता है, उसी दौरान आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है जो कि बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव होता है, उसी दौरान से आपकी बॉडी में, ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है तो वाइट डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे बढ़ने लगती है, और अर्ली डेज में जब बच्चा इम्प्लांट हो जाता है उसके हफ्ते 10 दिन के बाद वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी डे बाय डे बढ़ने लगती है। ये कलर में आपको ट्रांसपेरेंट मिल्की वाइट या थिन आपको नजर आ सकता है जो कि प्रेग्नेंट होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन काफी महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी डिस्चार्ज होता है। तो फ्रेंड, जो पीरियड आने से पहले महिलाओं को डिस्चार्ज होता है वो 1 से 2 दिन पहले होता है, वो ट्रांसपेरेंट और चिपचिपा पानी की तरह होता है। लेकिन ये डिस्चार्ज आपको पीरियड आने से सप्ताह पहले या 5 से 6 दिन पहले स्टार्ट हो सकता है। ये व्हाइट कलर का होगा, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ये चिपचिपा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि रेगुलर आपकी पैंटी गीली है, आपको इरिटेट कर रही है पैंटी में, आपको व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है, प्रेगनेंसी का वजाइनल डिस्चार्ज होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज है इसे देख काफी महिलाएं डर भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ्टी का काम करता है कि आपके सर्विक्स के बच्चेदानी के थ्रू बच्चे तक कोई इन्फेक्शन ना जाए, या आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन ना हो, तो उससे माँ और बच्चा दोनों को प्रोटेक्ट करता है। इस दौरान माँ की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से जाता है, बिकॉज अब आपके गर्भ में नन्नी सी जान पल रही है, तो यूट्रस में भी ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से जाता है और वजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा और ज्यादा होने लगती है। तो आपको डरना नहीं है, लेकिन महिलाओं को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि वजाइनल डिस्चार्ज प्लस पीरियड डिस्चार्ज में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। अभी भी मन में कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। आप कल मिलते हैं सेम टाइम में एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।